हाय, मैं हूं डॉक्टर नितिका कोहली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफेद दाग होने के 5 बड़े कारण। सफेद दाग होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। सिंस ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, मतलब कि एक कारण नहीं होता है इसके होने में, बहुत से कारण होते हैं। तो उन सभी की बात ना करते हुए आज मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे बड़े कारण जो कि मेरे एक्सपीरियंस में और टेक्स्ट बुक में इनका रेफरेंस भी मिलता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कारण की, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर आप समझें तो ये कोई एक चिंता या एक तरह की चिंता नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है, या तो आप उसके बारे में डर रहे हैं, बीमारी के बारे में उसका शोक बना रहे हैं, या उससे ओवरथिंक कर रहे हैं। स्ट्रेस बहुत तरह का हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी बीमारी को बढ़ाने के लिए। ये आपके लिए भी हो सकता है, और अगर आपके घर में किसी और को सफ़ेद दाग है और आप उसकी बहुत चिंता करते हैं, तब भी उनकी रिकवरी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। बेसिकली आपकी थॉट, आपका जो सोचने का तरीका है इलाज को लेकर, बीमारी को लेकर, वो बदल जाना चाहिए। स्ट्रेस यानी कि बार बार सोचना नहीं है बीमारी को लेकर। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, और ये है थायराइड फंक्शन। सो आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या थायराइड की वजह से सफेद दाग हो सकते हैं? क्या सभी थायराइड पेशेंट्स को सफ़ेद दाग हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बट स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जितने भी विटिलिगो पेशेंट्स हैं उनके थायराइड लेवल्स जो हैं वो कई बार देखे गए कि बढ़े हुए होते हैं। उनको थोड़ी सी उनमें एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं थायराइड लेवल्स में। मैं अपने एक्सपीरियंस में अगर बताऊं तो जब हम टेस्टिंग कराते हैं एक पेशेंट की, तो उसमें थायराइड ज़रूर चेक करवाती हूं मैं, एंटीबॉडीज़ भी थायराइड की ज़रूर चेक कराती हूं, और मोस्टली मैंने देखा है कि वहां पर मुझे डिस्टर्बेंस मिलती है। अब अगर इसे आप मेरे पहले फैक्टर से रिलेट करें तो थायराइड जो है वो एक हार्मोन है, और वो आपके स्ट्रेस से इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं बीमारी को लेके, तो आपके हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका थायराइड बढ़ सकता है या बहुत ज़्यादा गिर सकता है। उसकी वजह से आपके दाग जो हैं वो बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। सो सबसे पहला स्टेप, अगर आप मैनेज करते हैं, स्ट्रेस ना करें, थायराइड को इन चेक रखें, तो ये दो बड़े कारण आप अपने सफ़ेद दाग बढ़ाने के उससे बच सकते हैं। अब तीसरा कारण है वर्म इन्फेस्टेशन, मतलब पेट में कीड़े। पेट में कीड़े, इस पे मैं बहुत चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ, बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं। और यूजुअली अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि पेट में कीड़े होने की वजह से आपके दाग बढ़ रहे हैं या ये कारण हो सकता है, तो वो यूजुअली मुझे जवाब में ये बोलते हैं कि रिपोर्ट में तो नहीं आते, या हमने कभी एक गोली खा ली थी, 6 महीने में एक गोली हम खा ही लेते हैं। तो लेट मी टेल यू कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 6 महीने में एक टैबलेट खा रहे हैं, डीवर्मिंग कर रहे हैं, तो आपको पेट में कीड़े नहीं हो सकते हैं। आपकी डीवर्मिंग अगर हमें आयुर्वेदिक तरीके से करनी है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम करवाते हैं पेशेंट्स के। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टूल टेस्ट में वर्म्स प्रेजेंट हो, तभी मैं ऐसा मानूंगी कि आपको वर्म्स की शिकायत है। वर्म्स प्रेजेंट होने के और भी बहुत से लक्षण हैं, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके दागों को बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे बड़े कारण की, और ये है डाइट। डाइट यानी कि कोई भी हेल्दी डाइट नहीं। जो हेल्दी आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग सफ़ेद दाग में हेल्दी ना हो। हो सकता है कि वो बहुत ही हेल्दी खाना हो, बट वो आपके लिए ना हो, क्योंकि हर खाना सबके लिए नहीं हो सकता है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हर दवा भी सबके लिए सेम नहीं हो सकती है। तो आपके लिए स्पेसिफिक डाइट, आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डाइट, सफ़ेद दाग के लिए जो डाइट बताई गई है, अगर आप उसका पालन ठीक से करते हैं, तो आपके दाग जल्दी रुक सकते हैं, जल्दी ठीक हो सकते हैं। और वहीं पर अगर आप डाइट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें और कुछ भी खाते रहें, या कभी कभी कुछ कुछ खाते रहें, तो दाग बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। 5वां बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से ही दवा लेते रहना।
अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जब मैं पूछती हूँ कि आपका फॉलोअप मिस हो गया, तो वो कहते हैं कि दवा तो हम खा ही रहे थे, आपने 6 महीने पहले दवा लिखी थी, हम खा ही रहे हैं। बट समझने की बात यह है कि एक पर्चा या एक दवा जब आपको दी जाती है, उसका एक टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है, 10 दिन खानी है, 15 दिन खानी है, 1 महीने में मिले या 2 महीने में मिले। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के साथ मिल के काम करेंगे इस बीमारी में, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। आपके पर्चे में, आपकी मेडिसिन में क्या चेंजेस होने हैं, ये आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। आप एक पेशेंट हैं, आपका डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर सकता है। उनको देखना रहेगा कि आपके दाग कितने बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, कौन सी दवा का इस टाइम पर क्या रोल है, क्या सीज़न है, आपके पेट की हालत कैसी है। बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आपको पता भी नहीं होते और आपके डॉक्टर आपकी दवाओं में उसमें चेंजेस कर रहे होते हैं। सो एक रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताए 5 ऐसे बड़े कारण जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हों। हो सकता है कोई एक कारण हो सकता है कि सभी कारण हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, तो ये 5 कारणों को भी ध्यान में रखें। और इनमें से सभी कारण आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ आपके कंट्रोल में, कुछ एज अ डॉक्टर हमारे और ट्रीटमेंट के कंट्रोल में। तो हम एज अ टीम जब काम करते हैं, तो कितने भी बढ़ते हुए दाग हो, उनको रुकना ही है और उनको ठीक भी होना ही है।